अमिताभ बच्चन साहब ने कौन बनेगा करोड़पति शो के बाद अपना दर्द किस तरह झलकाया है ये आप देखकर जरूर हैरान होंगे और आपको हम हैरान जरूर करना चाहेंगे अपनी इस रिपोर्ट से। आपको बताना चाहेंगे वाकई में अमिताभ बच्चन साहब जी क्यों आखिर हैरान परेशान लोगों को कर बैठते हैं कई बार अपने पोस्ट से। दरअसल अमिताभ बच्चन साहब ने हाल ही में एक ऐसा पोस्ट शेयर किया जिसमें अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि वो उन्हें इग्नोर करते हैं, उनके कुछ मित्र हैं जो कि कहते हैं कि आप हमें इग्नोर करते हैं अमित जी। तो उन्होंने अमिताभ बच्चन ने उन्हें कहा मित्र हैं मेरे, सोचा उत्तर दे ही दूँ, तो कहा मैंने भैया 12 से 15 घंटे काम करने के बाद केवल स्नोरिंग का समय मिलता है, इग्नोरिंग का नहीं। ये कहकर अमिताभ बच्चन साहब ने लोगों को हमेशा से ही लोगों के बीच अपनी अलग अंदाज को बरकरार रखा है। वेल कौन बनेगा करोड़पति शो के लिए अमिताभ को करोड़ों रुपए मिल रहे हैं दर्शकों, ये आपको हम बताना चाहेंगे। वैसे अमिताभ को पुराने दिनों की याद हमेशा आते हैं। हाल ही में अमिताभ ने पोस्ट ऐसी फोटो शेयर की जो कि जलसा की ही थी, लेकिन उसमें उन्होंने पुराने दिनों को याद कर लिखा दोज वेयर द डेज हैव नो आइडिया व्हेन वेयर हाउ हाउएवर, ये लिखकर उन्होंने इमोशंस जारी किए। इसके अलावा उन्होंने लिखा 12 घंटे का स्वास्थ्य मंत्र टेलीथॉन जो है डेटॉल के साथ जो आ रहा है उसे लेकर वो तैयार हैं और इस बार वो ये बड़ा कदम उठा चुके हैं। जी हाँ, सुशांत मामले में ट्रॉल होने के बाद अमिताभ बच्चन ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है और अमिताभ बच्चन ने लिया है फैसला स्वास्थ्य मंत्र को लेकर वो लोगों से जुड़ेंगे। उन्होंने इसे लेकर लिखा सारी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से लड़ रही है, आइए मेरे साथ 12 घंटे के स्वस्थ मंत्र टेलीथॉन के साथ जुड़ते हैं स्वस्थ इंडिया बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक जो नेटवर्क है उस पर आप देख सकेंगे इसे। इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने कहा कि ये लगातार जुड़े रहेंगे, इससे वो स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ भारत के लिए अमिताभ बच्चन का ये अंदाज सामने आया। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।